जिला पदाधिकारियों से कि उनका नाम नोट कर ले और जिला पदाधिकारी को भेज दे और जिला पदाधिकारी से सूची लेकर करके मैं विभाग को भेज दूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि जो भी लोग छूट गए हैं उनको भी जो उपकरण की आवश्यकता है वो उपकरण मिले, ये हमारी गारंटी है। भाई और बहनों, ये सिर्फ इसी काम के लिए नहीं, ये हमारे पार्टी का काम करने का तरीका है, अन्य सरकारों के तरीके से अलग, बिल्कुल अलग। अन्य सरकार विद्युतीकरण कराते थे, हम लोग भी देखते हैं, प्रत्येक वर्ष हजारों करोड़ भेजे जाते थे कि हाँ साहब को ग्रामीण विद्युतीकरण हो रहा है, आरी योजना के अंतर्गत, इंटेंसिव विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के अंतर्गत, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सरकार ने निश्चय किया हो कि साहब हम हर गांव को विद्युतीकृत कर दें। वो हमारी सरकार ने किया, हमारी पार्टी ने किया, हमारी पार्टी का और हमारे नेता का सोच ही यही कि कोई गांव छूटे नहीं। तो इन्होंने अनाउंस किया, घोषणा की, लाल किले के बल से घोषणा की कि मैं 1 मई 2019 से पहले जितने गांव हैं सबको विद्युतीकृत कर दूंगा। और मैं आज बता दूं कि उस समय विभिन्न राज्यों ने 18,452 गांव की सूची दी, उसके बाद और गांव जुड़ गए, उन सभी का विद्युतीकरण हमने कर दिया है। मात्र 860 गांव बचे हुए हैं जिनका विद्युतीकरण मई की बात दूर 15 अप्रैल तक कर देंगे और गांव उतने 15 अप्रैल तक एक भी गांव छूटेगा नहीं। और गांव भी कौन कौन, अभी जो 800 बचे हुए हैं कौन कौन गांव है, वो है अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज गांव जहां पर कि पहुंचने में 2-3 दिन चलना पड़ता है, कारगिल के दूर दराज गांव जहां पर कि पहुंचने के लिए 2-3 दिन चलना पड़ता है और सामान टट्टू पर ले जाना पड़ता है, और बस्तर छत्तीसगढ़ के इतने ही जगह पर गांव बचे हुए हैं, बाकी सब हमारे गांव होंगे। लेकिन ये सोच दर्शाता है, हमारी पार्टी का सोच दर्शाता है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, गांव को कनेक्ट करना ही पर्याप्त नहीं, आप गांव को कुछ गांव में 10% घरों को आप विद्युतीकरण कर देते हैं वो पर्याप्त नहीं, मुझे तो चाहिए हर घर में बिजली, मुझे तो चाहिए हर घर में रोशनी। और इसीलिए सौभाग्य का अनाउंसमेंट और ये टारगेट है कि 1 अप्रैल 2019 से पहले हम हर घर को रोशन कर दें और ये तेजी से चल रहा है। करीब 34 लाख घर हम लोग देश में योजना के अंतर्गत, योजना के अनाउंसमेंट के बाद 11 अक्टूबर को अनाउंसमेंट हुआ, अभी तक 34 लाख घरों को हम कनेक्शन दे चुके। आइए, कनेक्शन मुफ्त दिए जा रहे हैं, किसी को एक नया पैसा देना नहीं है, किसी को कहीं जाना नहीं है, किसी को कहीं दौड़ना नहीं है, आपके यहां जा करके लोग कनेक्शन देंगे, कैंप लगा करके कनेक्शन देंगे। और मैं बता दूं, यह काम एकदम तेजी से हो, द्रुत गति से हो रहा है सब जगह। बिहार में जो गति होनी चाहिए वो नहीं, वो मैं बिहार के जो प्रधान सचिव है उनको मैं बता चुका कि यहां पर प्रगति और करने की जरूरत है। लेकिन अब जैसे बगल में उत्तर प्रदेश है, प्रतिदिन करीब करीब 80,000-90,000 लोगों को हम लोग कनेक्शन दे रहे हैं, प्रतिदिन 1 लाख का टारगेट, प्रतिदिन हम 1 लाख लोगों को कनेक्शन देंगे। यहां भी हम गति पकड़ेगी, क्योंकि मैंने कह दिया है कि गति पकड़नी चाहिए। तो हम लोग का काम करने का तरीका यह है, हमारी पार्टी का काम करने का तरीका यह है, विकास क्या होता है ये हम लोग जानते हैं और कैसे अंतिम आदमी तक। आप ये सोचिए कि कोई सोचा होगा कि हाँ साहब को हम बिजली तो पहुंचा दे रहे हैं गांव में, जो गरीब आदमी है वो बिजली का कनेक्शन ले सकता है क्या? ले सकता है कोई गरीब आदमी बिजली का कनेक्शन? जरा सोचिए आप, कैसे क्या होता था बिजली का कनेक्शन लेने के लिए? आप एप्लीकेशन भरिए, जमा कीजिए, उसके बाद मतलब 6 महीना तक कोई सुध-बुध लेने नहीं पड़ा हुआ है, फिर जाइए आप वहां कार्यालय में तो कहेगा कि हाँ साहब को जाएगा आपके यहाँ कनीय अभियंता जाएगा, एस्टिमेट बनाएगा। आप 10 बार दौड़िएगा तो जाकर के कनीय अभियंता आपके यहाँ एस्टिमेट बनाएगा या कनीय अभियंता किसी को भेज देगा। एस्टिमेट बनकर करके 6 महीना पड़ा रहता था और कुछ नहीं होता था जब तक कि जाकर के कनीय अभियंता को कुछ चढ़ावा नहीं चढ़ा देते थे, यही ना होता था? जाकर के कनीय अभियंता को चढ़ावा चढ़ा दीजिए तब जाकर कर करके वो आके कनेक्शन दे दे। कोई गरीब आदमी ऐसा कर सकता था? कोई सोच नहीं सकता था कि हम बिजली का कनेक्शन लेंगे? नहीं, वो तो सोच रहा था कि हमारी नियति यही है कि हम ये ढिबरी के रोशनी में ही रह जाए।
इन सब को अलग हटा करके कनेक्शन देने का और निशुल्क कनेक्शन देने का योजना सिर्फ हमारी सरकार ने बनाई। हर खेत, हर घर को रोशनी, हर खेत में पानी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ हुआ, सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना प्रारंभ, एक और योजना हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, अभी हर एक सहायता दे रहे हैं। और इससे जितना संतोष हो रहा है, बाकी सब योजना में जितना संतोष हमको मिला उससे अधिक हो रहा है। आप लोगों को इतने देर तक हमने यहाँ पर बैठा करके रखा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आप सब लोग को खाना मिलेगा, जहाँ आप बैठे हैं वही खाना मिलेगा, आप लोग खाना खा करके जाएंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आज आप जो आरा के लिए और हम लोगों के लिए कर गए, हम लोग उसको सदैव याद रखें। और यह भी मैं कहे बिना नहीं रह सकता कि ये विभाग पहले क्या था और आज क्या। आप सोचिए, पहले इस विभाग का कोई नाम नहीं जानता, अब कुछ कुछ लोगों को मिल गया, उपकरण तो हो गया, और आज ये स्थिति है कि 9 लाख लोगों को भारत में ये लोग उपकरण दे चुके। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस विभाग का नाम आ गया, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। सोचिए, ये अंतर है। कहां पहले ये पहले की सरकारें थी, कहां हम लोग का सरकार। जो उपकरण देते थे उसमें बढ़ोतरी कर दी उन्होंने। ये कभी कोई सोचता था कि हाँ साहब, तो वयोवृद्ध हो जाते हैं, उनका दांत झड़ जाता है, उनको भी सहायता की जरूरत है। जिसको पैसा था वो तो अपना पैसा देकर के दांत लगवा लेता था, लेकिन जो गरीब परिवार में बूढ़ा है वो सरकार ने सोचा और आज उनके लिए भी व्यवस्था है। सुन नहीं पाता था, बूढ़े हो गए, सुनाई नहीं पड़ता है। जो अमीर आदमी को जाकर के लगवा लेता था अपना हियरिंग एड, गरीब आदमी का बूढ़ा, उनके लिए भी व्यवस्था है, उनको सुनने का मशीन दिया जाता है। ये है सोच, ऐसा ही होना चाहिए सोच। और मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ माननीय मंत्री जी को, बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनके विभाग को। यही काम है जो कि सबसे पुण्य का काम है, इससे बड़ा पुण्य का काम और कुछ नहीं हो सकता है। माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग बहुत कृतज्ञ, धन्यवाद। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।